हेलो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम ऑल दिस इज हेम वर्मा एंड टुडे वी विल स्टडी सम मोर इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज आर रिलेवेंट टू योर यूपी टेट एग्जाम इंग्लिश पेपर फर्स्ट सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो ऑन नंबर फर्स्ट फाइंड आउट एरर इन द गिवन सेंटेंस सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के अंदर आपको वो पार्ट को सेलेक्ट करना है जिसमें एरर है एरर को स्पोर्ट करना है एरर स्पोर्ट करने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हर कॉम्पिटिशन के अंदर आते हैं और इसमें बहुत सारी ग्रामर आपकी कवर हो जाती है तो इनको बहुत ही केयरफुल्ली आपको समझना है द कार हु बिलोंग्स टू मी इज़ रेड इन कलर कार जो मेरी है जो मुझसे संबंधित है इज रेड इन कलर कलर में वो रेड है यानी कि उसका कलर रेड है अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर यूज होता है जहाँ पर नाउन और उसके बाद में ठीक उसके बाद में उसका रिलेटिव प्रोनाउन जो उससे रिलेशन बनाता है ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है हु और रिलेटिव प्रोनाउन हम इसको तभी बोलेंगे जब इससे पहले एक नाउन इसका रिलेवेंट नाउन भी यूज होता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर कार है कार कार क्या ये ह्यूमन बीइंग है नहीं है ना ये एक थिंग है वस्तु है ठीक है और थिंग के साथ में हम हु को यूज़ नहीं करते बल्कि किसको यूज़ करते हैं हमेशा विज को यूज़ करते हैं विज को यूज़ करेंगे या फिर दैट को यूज़ करेंगे दैट भी आपका यूज़ हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर हु में गड़बड़ है तो आपका कौन सा पार्ट गलत हुआ ए पार्ट ही आपका गलत हुआ ठीक है बाकी सब ठीक है नेक्स्ट नंबर टू फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस सेंटेंस के अंदर जो हाईलाइटेड वर्ड हैं आइदर और दीज टू ये क्या है इंग्लिश ग्रामर में हम इनको क्या बोलते हैं इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लेते हैं तो देखिए यहां पर आइदर जुड़ा है ऑफ से ठीक है दीज टू ट्रेन्स और ट्रेन्स के पहले ये वर्ड आए हैं टू और दीज आप इनको एडजेक्टिव बोल सकते हो लेकिन ये एडजेक्टिव एक्चुअल में होते नहीं हैं ये जो नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं एडजेक्टिव मैं बार बार बता रहा हूँ एडजेक्टिव हम उन वर्ड्स को बोलते हैं जो किसी नाउन की क्वालिटी को शो करते हैं लेकिन ये ट्रेन के नंबर को शो कर रहे हैं ठीक है ना ट्रेन मतलब नाउन की एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो तब इनको बोलते हैं हम डिटर माइनर डिटर माइनर हम इनको बोलते हैं और इसमें दीज भी डिटरमाइनर है और टू भी डिटरमाइनर है तो ये कहाँ पर है आपका डेटरमाइनर और डिटरमाइनर दो ऑप्शन में है इनमें नहीं है तो इन्हें हम निकाल देते हैं अब आइदर देखिए आइदर ऑफ दीज टू मतलब दीज टू कौन कौन हो सकते हैं एक राम हो सकता है एक शाम हो सकता है तो दोनों में से कोई एक या तो राम या शाम तो देखिए जब हम नाउन के जगह पर कोई वर्ड यूज करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं आपने पढ़ा है उसको कि उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं तो यहाँ पर आइदर क्या हो गया ये हो गया प्रोनाउन ठीक है तो अब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्रोनाउन और डिटरमाइनर्स यहाँ पर दो डिटरमाइनर एक साथ यूज हुए हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड चूज रोंग पार्ट इन द सेंटेंस सेंटेंस के अंदर आपको रोंग पार्ट को चूज करना है तो देखिए यहाँ पर वाक केयरफुली लेस्ट यू मे या फॉल डाउन तो चारों में से कौन सा रोंग है ये आपको बताना है आप देखिए यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ हुआ है दो क्लोज को ज्वाइन करने के लिए वॉक केयरफुली ध्यानपूर्वक चलो यू में फॉल डाउन तुम गिरना चाहो तो इसका मतलब क्या होता है ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि इसका मतलब होता है और सीधी सीधी सी बात है लेस्ट के बाद में हमेशा जो वर्ब यूज़ होती है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो हमेशा शुड की फॉर्म में होती है मतलब शुड ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है इसी तरह से मैंने बताया था कि सो so दैट के साथ में हमेशा वर्ब यूज होती है मे या फिर अगर सेंटेंस पहली वाले ही क्लोज पास्ट में है तो फिर माइट यूज होती है माइट यूज होते, हैं ठीक है ठीके? तो आप ध्यान रखना यहाँ पर मे की जगह पर क्या आएगा क्या आना चाहिए मे की जगह पर आना चाहिए शुड शुड यूज होना चाहिए तब सेंटेंस आपका करेक्ट होगा तो कौन से में है ये यू में तो आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड फिल द ब्लैंक विद करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम गिविन ऑप्शन नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं उनमें से आपको सही एक्सप्रेशन को चूज करना है तो द टीचर एंड सिंगर डूइंग बेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अब देखिए यहां पर द टीचर एंड सिंगर क्या ये दो लोग हैं आपको लग रहा होगा कि ये दो लोग हैं लेकिन नहीं ये दो लोग नहीं है अगर यहां पर दा होता आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल सेकेंड सब्जेक्ट के साथ में भी लगा होता है इट मीन्स टीचर अलग है और सिंगर फिर अलग हैं फिर ये दो लोग हो गए ठीक है लेकिन द टीचर केवल डेफिनेट आर्टिकल एक के साथ ही लगा हुआ है दूसरे के साथ नहीं है एंड के साथ में जो यूज़ हुआ है सब्जेक्ट उसके साथ में हमने आर्टिकल को यूज़ नहीं किया है इट मीन्स टीचर एक आदमी टीचर भी है और वही सिंगर भी है तो ये दोनों लोग केवल एक हुआ एक ही इंसान है ये ठीक है तो जब एक है तो सब्जेक्ट कैसा हो गया फिर ये फिर ये हो गया सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो अब देखिए अब आप आसानी से कर लेंगे द टीचर एंड द सिंगर इज डूइंग आप देखिए देयर आना चाहिए क्या नहीं आएगा क्योंकि जब सब्जेक्ट एक है तो देयर पजेसिव वर्ड के रूप में नहीं आएगा बल्कि क्या आना चाहिए यहाँ पर हिज क्योंकि टीचर या फिर हर आना चाहिए तो इज और हिज ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है थर्ड नेक्स्ट फिल द करेक्ट प्रिपोजिशन इन द सेंटेंस बाय गिव ऑप्शन इन नीचे दिए गए ऑप्शन के, के अनुसार आपको सेंटेंस में प्रिपोजिशन को फिल करना है अब देखिए हिज सन इज गुड मैथमेटिक्स तो क्या आना चाहिए यहां पर एट आना चाहिए या इन आना चाहिए हिज सन इज गुड इन मैथमेटिक्स आप यही तो बोलेंगे कि मेरा बेटा मैथमेटिक्स में अच्छा है लेकिन जब आप सब्जेक्ट की बात करते हैं अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमेशा हम एट को यूज़ करते हैं आप ध्यान रखना अगर इस तरह का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के लिए आया है तो हमेशा एट को यूज़ किया जाएगा सब्जेक्ट से पहले के लिए अच्छा बुरा जैसा भी है वो एट यूज़ होगा उसके साथ में चलिए नेक्स्ट तो आपका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट नेक्स्ट चूज एर पार्ट इन द सेंटेंस सेंटेंस के अंदर फिर वही आ गया कि एर पार्ट को आप चूज कीजिए देखिए टू लीड अ वेल बैलेंस लाइफ एक संतुलित लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए यू सेल हैदर इंटरेस्ट डिसाइड्स आपको यू सेल है आपको कल्टिवेट करने पड़ेंगे कल्टिवेट किसको बोलते हैं प्रोड्यूस को पैदा करना उत्पन्न करना कल्टिवेटर बनाए हैं जो खेत जोतता है उसे हम कल्टिवेटर बोलते हैं कल्टिवेट से ही बनाए अदर इंटरेस्ट दूसरे इंटरेस्ट भी आपको पैदा करने होंगे बिसाइड योर प्रोफेशनल वंस अपने दूसरे व्यवसायिक कामों के अतिरिक्त अब देखिए यहाँ पर बिसाइड यूज़ हुआ है तो क्या बिसाइड के अतिरिक्त के लिए यूज़ होता है नहीं ये बिसाइड जो है के अतिरिक्त के लिए यूज़ नहीं होता बल्कि ये तो या तो के पास के पास या के बराबर में या की बराबर में के लिए यूज़ होता है ठीक है और बिसाइड अतिरिक्त के लिए यूज होता है बिसाइड्स बिसाइड इन एडिशन टू भी होता है इसके लिए यूज इन एडिशन टू ठीक है के अतिरिक्त इन एडिशन टू या फिर एक्सेप्ट भी यूज होता है एक्सेप्ट तो यहां पर बिसाइड्स यूज होगा तो आपका जो एरर पार्ट है वो है सी ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं द फ्रेजल वर्ब रील ऑफ रील ऑफ का मतलब क्या है ये फ्रेजल वर्ब है फ्रेज किसको बोलते हैं हम जो कई सारे शब्दों से का एक समूह होता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं अगर वो वर्ब है तो फ्रेजल वर्ब हो गई है ना और अगर वो नाउन है तो नाउन फ्रेज हो गया अगर वो एडजेक्टिव adjective है एडजेक्टिव का ग्रुप है तो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया और यदि वो एडवर्ब का ग्रुप है तो एडवर्बियल फ्रेज हो गया ठीक है फ्रेज का मतलब शब्द समूह तो रील ऑफ रील ऑफ का मतलब होता है कि रील चल रही है और आपने उसको चलने दिया आपने उसको मतलब उसको रोका नहीं है वो लगातार चल रही है इसका मतलब क्या क्विकली जल्दी से बोल देना धड़ल्ले से एकदम बोल देना रील ऑफ का मतलब होता है धड़ल्ले से बोल देना और यहाँ पर देखिए फिशिंग का इससे कोई मतलब नहीं है मछली पकड़ने से है और रिहर्स इजीली का मतलब है कि आसानी से प्रैक्टिस कर लेना रिहर्सल इसी से बना है रिहर्स से तो आसानी से प्रैक्टिस कर लेना और आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियरली बोलना क्लियरली स्पीक करना बोलना ठीक है तो तेज़ी से क्लियरली बोलना तो फिर तो बात अलग हो गई वो तो बोलने में स्किल आ गई है हमारे लेकिन हम कह रहे हैं धड़ल्ले से बोलना तेजी से बोल जाना भले कैसा ही बोल रहा है उसने लेकिन तेजी से बोलने की आदत हो उसको तब हम कहेंगे रील ऑफ कर रहा है वो ठीक है तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट इविडेंस टू डेमोन्स्ट्रेट टू पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाट स्टूडेंट्स कैन डू विद लैंग्वेज आपका पैडागोजी का आ गया इंग्लिश पैडागोजी का क्वेश्चन आया है तो देख लेते हैं इसको विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट एविडेंस निम्न में से जो नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं उनमें से सबसे अच्छा साक्ष्य एविडेंस क्या है टू डेमोस्ट्रेट टू पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रेजेंट करने का क्या प्रेजेंट करने का व्हाट स्टूडेंट कैन डू विद लैंग्वेज के लैंग्वेज के साथ में एक स्टूडेंट क्या कर सकता है उसका प्रदर्शन करने के लिए आखिर उसका क्या एविडेंस है सबसे अच्छा एविडेंस क्या हो सकता है कैसे जान सकते हैं हम उसको तो नेशनल करिकुलम एंड सिलेबी क्या नेशनल राष्ट्रीय करिकुलम या सिलेबी देखिए इन दोनों को ही हम पाठ्यक्रम बोलते हैं आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इनका मीनिंग निकल के आएगा पाठ्यक्रम लेकिन दोनों में फर्क है ये आप समझ लीजिए करिकुलम करिकुलम का मतलब होता है वो पाठ्यक्रम जिससे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा हो ऑल राउंड मोटे तौर पर आप समझ लीजिए इसको डेवलपमेंट हो रहा हो बच्चे के लिए मतलब हम सभी तरह की नॉलेज की स्टडी करेंगे बच्चे को सिखाएंगे उसको हम आ, सारा ज्ञान देंगे ताकि उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके उस सारी स्टडी को हम करिकुलम में रखते हैं और सलेबी का मतलब है सिलेबिस स्लेबी या सिलेबस स्लेबी सिलेबस की का प्लूरल फॉर्म है ये आप ध्यान रखना स्लेबी स्लेबस uh, की प्लूरल फॉर्म है और करिकुलम की प्लूरल फॉर्म करिकुलम्स होती है और या फिर करिकुला होती है ये भी आप ध्यान रखना इसके साथ साथ तो यहां पर सिलेबी सिलेबी का मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंटेंट है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम सिलेबस और करिकुलम किसको बोलते हैं कि बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो बच्चे को हम एजुकेशन दे रहे हैं उस सब को हम करिकुलम में स्टडी करते हैं समझ आ गया आपको बात तो यहां पर नेशनल करिकुलम और सिलेबी नहीं है लिस्ट ऑफ कोर्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बच्चा जब अपने कोर्स की या गोल्स की या ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट बनाता है वो उसका सबूत है या मार्क्स इन टेस्ट या टेस्ट में जब वो अच्छे मार्क्स लेता है क्या वो उसका एविडेंस है या फिर पॉयम्स एंड पैराग्राफ्स लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम ठीक है लैंग्वेज वाट स्टूडेंट्स कैन डू विथ लैंग्वेज के लैंग्वेज के साथ वो क्या कर सकता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो रिटर्न बाई द स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर जब बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है तो अगर उसने पोयम लिखना सीख लिया और पैराग्राफ्स लिखना सीख लिया इट मीन्स उसने गद्य और पद्य दोनों सीख लिए हैं ठीक है ना और ये दो विधाएँ हैं लैंग्वेज की दोनों को सीख लिया उसने तो यही उसका एविडेंस होगा डेमोस्ट्रेट करने के लिए पेरेंट्स के सामने या फिर स्कूल uh, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ठीक है तो आपका सही ऑप्शन है फोर नेक्स्ट स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ स्क्रिबलिंग क्या है मतलब किस स्टेज पर आती है स्क्रिबलिंग क्या स्पीकिंग में आती है लिसनिंग में आती है या फिर राइटिंग में आती है या फिर रीडिंग में आती है अब देखिए स्क्रिबलिंग का मतलब होता है घसीट कर लिखना Scri Scri Scriblin का मतलब होता है घसीट कर लिखना अब लिखने से मतलब है इसका बच्चे घसीटा मारते हैं ना एकदम से घसीटा मारते चले हैं आपके दीवार चले जाइए आप दीवार पर घसीटा मार रखा होगा बच्चों ने ये बच्चों की कॉपी उठा के देखिए छोटे बच्चों की तो वो घसीटा मारते हैं तो लिखने से संबंधित का आप तुरंत ही इसको समझ गए हैं तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है अब प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू ये लास्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी टीचर्स शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू प्राइमरी स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए रीडिंग को किसके जरिए क्या स्टोरीज के जरिए पिक्चर बुक के जरिए अल्फाबेट के जरिए या फिर फोनिक टीचिंग के जरिए स्टोरी मतलब कहानी सुनाकर उसके अंदर हमें रीडिंग को मतलब रीडिंग के प्रति उसका इंटरेस्ट जगाना चाहिए या रीडिंग को प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर पिक्चर बुक्स हैं या फिर अल्फाबेट पढ़ाकर उनको करना चाहिए या फिर फोनिक टीचिंग से मतलब हम बोल रहे हैं और बच्चे उसको अपने मुंह से रिपीट कर रहे हैं उसको हम फोनिक टीचिंग बोलेंगे हम कुछ पढ़ रहे हैं कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं और बच्चा हमारे साथ साथ फिर पीछे से बोल रहा है तो उसको फोनिक टीचिंग बोलेंगे तो देखिए क्या कराइए अब प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रो प्राइमरी टीचर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए रीडिंग को किस को पिक्चर बुक के जरिए अगर पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पर कुछ बना हुआ है तो बच्चा देखकर ज़्यादा सीखता है पिक्चर के माध्यम से आप भी जब छोटे रहे होगे तो पिक्चर से बड़ा लगाव रहा होगा जब प्राइमरी स्कूल में रहे होंगे तो पिक्चरों को काटिंग कर करके अपनी बुक में रख लेते थे और उनसे अपनी एक नई कहानी घड़ते थे है ना नई कहानी हम बनाते थे तो क्या है सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है पिक्चर बुक जब रीडिंग किसके थ्रू हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए बच्चे के सामने सबसे अच्छे तरीके से वो पिक्चर से सीखता है पहले बच्चे के सामने पिक्चर रखती और उसके बाद में जब हम उसको रीड करा रहे हैं तो वो कनेक्ट होते चली जाती है उसकी जो इमेजिनेटरी पावर है और जो पिक्चर से उसको निकल के आई है जो कहानी उससे वो कनेक्ट होती चले जाती है तो आपका राइट right ऑप्शन होगा टू ठीक है गाइज तो चलिए आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स रखिएगा अपने फीडबैक रखिएगा और हो सकता है जल्दबाजी में कई बार जबान से इधर उधर कोई वर्ड निकल जाता है और पता भी नहीं चलता उस समय वो निकल जाता है तो निकल जाता है बाद में जब सुनते हैं तब पता चलता है तो आप अपने अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हम लोगों से थोड़ा सा वो डिलीवरेटरी नहीं होता है वो ऐसा अगर वो हो गया और आप लोगों के अंदर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर लिखिए और वहाँ मैं आपकी हर कमेंट का जरूर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दूंगा ओके गाइस तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ में नेक्स्ट लेसन के साथ में टिल देन बाय बाय टेक केयर